सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस साल का आखिरी हफ्ते में हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो आखिरी हफ्ता जो रहता है वो स्पेशल क्यों रहता है, यस यूजुअली हम लोग को तेजी देखने को मिल जाती है जिसको हम लोग सेंटा क्लॉज रैली के नाम से यहाँ पे जानते हैं। हालांकि मैं हमेशा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि सेंटा क्लॉज रैली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 70-80% सक्सेस रेशो के हिसाब से चलती है, एंड फिलहाल करंट सीनेरियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अभी तक अगर हम लोग देखे जाए तो सेंटा क्लॉज रैली फिलहाल तो बाजार में बनी हुई है, जो कि आज के दिन भी सेंसेक्स आप देख सकते हो लगभग 350 पॉइंट भागते हुए देखने को मिला है, एंड निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 100 पॉइंट से भी ज्यादा हम लोग को निफ्टी की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटा क्लॉज रैली 5+2 मतलब दिसंबर के 5 दिन जनवरी के पहले 2 दिन इसी को मिलाकर होता है सेंटा क्लॉज रैली, तो अभी तक के हिसाब से 7 में से 2 दिन तो निफ्टी ने इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी धीमे धीमे करके विदेश के बाजार हम लोग को कुछ बाजार ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, कुछ बाजार में आज भी हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो आज के दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस है, एंड यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम सेंटा क्लॉज रैली कुछ एक और हम लोग को अच्छी खबर मतलब मार्केट के हिसाब से अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट के लिए कोई नेगेटिव न्यूज ना होना यही सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज रहती है, एंड वही सिनेरियो फिलहाल तो हम लोग को आज के दिन भी देखने को मिला। आज के दिन मतलब क्या कि ड्यूरिंग द मार्केट अननेसेसरली बाजार को पैनिक करने के लिए कोई नेगेटिव न्यूज नहीं मिली, राइट? तो इसी के चलते इंडेक्स हमारा अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस अगर हम लोग बात करें अभी अमेरिकन बाजार हम लोग को कल के दिन तो यहाँ पे क्या देखने को मिले थे, छुट्टी थी क्लोजिंग थी, तो इसीलिए हमारे दिन जो ओपनिंग हुआ निफ्टी का वो आप देख सकते हो धमाकेदार हम लोग को ओपनिंग देखने को मिला, गैप अप शानदार गैप अप देखने को मिला था, राइट? सो ये एक पॉइंट है जो कि आपको बताना चाहिए। अभी अमेरिकन बाजार की बात करें तो अभी से हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, फ्यूचर्स आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार के स्टार्ट हो चुके हैं एंड वो फिलहाल 225 पॉइंट हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी सेम सिनेरियो रहता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैक्सिमम हम लोग को छुट्टी पे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये धारणा है, ये मानना है हिस्ट्री के मुताबिक कि आखिरी हफ्ता एंड जनवरी के पहले 2 दिन बाजार में यूजुअली कम दबाव हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इसी को हम लोग सेंटा क्लॉज रैली बोलते हैं। फिलहाल तो ऐसी मतलब जो पाथ हम लोग को देखने को मिल रहा है उसी के ऊपर बाजार चलते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग यूरोपियन बाजार की बात करें तो आप देख सकते हैं फुटसी तो अभी तक चालू नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लोज ही है। जर्मनी का बाजार एंड फ्रांस का बाजार फिलहाल तो चल रहा है, एंड सम हाउ हम लोग को वहां पर भी हरा निशानी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि बाजार के लिए कोई नेगेटिव न्यूज देखने को नहीं मिली, यहाँ पे अगर किसी में अगर लाल निशान देखने को मिल रहा था तो अननेसेसरी पैनिक फैलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो छोटा मोटा दबाव यहाँ पे आ सकता है। तो कलेक्टिवली अगर हम लोग देखा गया तो बाजार अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड सबसे मेन गोल्डन पॉइंट क्या है कि इंडियन मार्केट में इंटरनली एज सच कोई गड़बड़ी नहीं है। विदेश के बाजार की अगर हम लोग बात करें वहां पे रिसेशन है, इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा है, बहुत सारी दिक्कत है, बट इंडिया की अगर हम लोग बात करें हमें कोई इंटरनली एज सच कोई डैमेज वाली खबर नहीं है। हम लोग विदेश के बाजार के प्रेशर के चलते मतलब गिर रहे हैं, और ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो ये तो सारी चीजें वैसे तो हम लोग को पुरानी होती हुई देखने को मिली। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें कौन सी अलग हटकर न्यूज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली जिसके चलते मतलब मार्केट को क्या मिला, थोड़ा बहुत सहारा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, एंड वो खबर है दोस्तों चाइना से रिलेटेड। यस, खबर सुन के आपको लगेगा सर ये क्या हो रहा है करके, बट मार्केट के हिसाब से ये खबर पॉजिटिव है, एंड इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चाइना से रिलेटेड ही खबर के चलते ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पे बाजार में बनी हुई है। मतलब सबसे मेन चीज दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि चाइना में क्या कोविड से रिलेटेड चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो चाइना एंड कोविड क्वारंटाइन फॉर ट्रेवलर्स इन जनवरी इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हो चुका है। यस, पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस लेकर चलते थे चाइना, जीरो कोविड पॉलिसी उसके तहत भी, प्लस कोई बाहर से आया तो उनको क्वारंटाइन करना, वो सब अभी चाइना खत्म करने जा रहा है जनवरी ऑनवर्ड्स। देन जैसे मैं आप लोगों को बोला जीरो कोविड पॉलिसी, तो इससे रिलेटेड भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी अभी उन्होंने यहाँ पे हटा दिया। आखिरी जो जीरो कोविड पॉलिसी कब था वो भी उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो हटा दिया है। मतलब डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को अभी रीओपन करते हुए देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि सुनने के लिए ऐसा लगेगा अरे वहां पे तो कोविड का इतना बड़ा तांडव चल रहा है और ये कर क्या रहे हैं। सो ऑलरेडी उन्होंने गलती की थी पहले ही कि सब कुछ लॉक करके अगर आप चलोगे तो ऐसा कभी कोविड खत्म नहीं होता है, राइट? इसके चलते लोगों की इम्यूनिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसीलिए अभी वो सब कुछ यहाँ पे ओपन करते यहाँ पे जा रहे हैं। अगर चाइना यहाँ पे ओपन हो जाता है तो बिजनेसेस रन करते हुए देखने को मिलेंगे, एंड इसी चीज के चलते हम लोग को यहाँ पे आज के दिन मेटल सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और भी अलग अलग रीजन है बट मेजर जो रीजन था वो चाइना से रिलेटेड ही रहता है, इसलिए मैं मेटल सेक्टर को ज्यादा ट्रैक यहाँ पे नहीं करता हूँ, राइट? प्लस कमोडिटीज में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहता है। सो
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मेटल सेक्टर, मतलब मैं थोड़ा सा आपको इंडेक्स भी दिखा दूं, ये देखिए इंडेक्सेस मैंने ओपन कर दिए हैं सभी सेक्टर में देखेंगे तो आज के दिन आपको मेटल ज्यादा 4.25% भागा है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक भी कर लेता हूँ मेटल के ऊपर, तो देखिए सभी के सभी, एक सिर्फ एक ही स्टॉक को छोड़कर बाकी सभी के सभी में आप लोगों को जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेशन है कि चाइना ने जो अनाउंसमेंट दिया है ऑफिशियली कि वो रेस्ट्रिक्शन सब कुछ यहाँ पे हटा रहे करके, तो इसके चलते बिजनेसेस चलेंगे, तो मेटल सेक्टर में हम लोग को एक खुशहाली देखने को यहाँ पे मिली है। तो डेफिनेटली मार्केट को इसमें क्या अच्छा लगता है, मार्केट को एक ही चीज अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते दोस्तों कि चाइना आज भी करंट सिनेरियो में मैन्युफैक्चरिंग का हब है। हाँ, उसकी पावर जो पहले जो चार्म था वो अभी जबरदस्त कम यहाँ पे हो चुका है, हर कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढ रहा है। जैसे कि एप्पल ने क्लियर कट ये बात बोली थी कि हम लोग किसी भी एक कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर उस कंट्री में कुछ हुआ तो डेफिनेटली उनके प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, तो इसलिए वो अपने प्रोडक्शन को भी डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। तो इसलिए अभी चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो चार्म था वो अभी हम लोग को धीमे धीमे कम हो रहा है, बट अभी भी देखा गया तो चाइना अभी भी लीडिंग ही हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो चाइना में अगर ये सारी चीजें अगर रीओपन हो जाती है तो बिजनेसेस के लिए अच्छी बात होती है, सप्लाई चेन के लिए अच्छी बात होती है, ये कोई चीजें रुकेगी नहीं करके। अगर चाइना यहाँ पे इन चीजों के चलते लॉकडाउन में चला गया, रेस्ट्रिक्शन में चला गया, तो पूरे दुनिया भर के जो इकोसिस्टम है, सप्लाई चेन है, उसके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो फिलहाल इन सारी चीजों के ऊपर की पाबंदियां चाइना ने हटा दी है, एंड इसी के चलते आज के दिन का इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन यही है कि मेटल सेक्टर हम लोग को अच्छे खासे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये जो खबर थी इसके चलते मतलब बाजार को क्या थोड़ा बहुत यहाँ पे राहत मिला, एंड चलो ये राहत वाली खबर नहीं आई तो भी चलेगा, कोई नेगेटिव खबर नहीं आनी चाहिए, इसी के चलते यहाँ पे हम लोग को बाजार में अच्छे खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये सारी चीजें मैं डिटेल में क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी ओके परफॉर्मेंस दे रहा था, मतलब इतना भी कोई सुपर डुपर नहीं, 0.5% के आसपास ही भागते हुए देखने को मिला था, बट उसके बावजूद हम लोग को बाकी सेक्टर की ओर से अच्छा खासा सपोर्ट मिला, इसलिए हमारा टोटल जो रिजल्ट रहा है निफ्टी का वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि सेंटा क्लॉज रैली फिलहाल तो अभी भी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट है दोस्तों, स्टॉक मार्केट है, एक सेकंड भी काफी होता है मतलब यहाँ पे नाव पलटने के लिए, बट फिलहाल की सिनेरियो के हिसाब से 7 में से 2 दिन तो फिलहाल तो इंडियन मार्केट में अच्छे ही देखने को यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल तो मिल रहे हैं। एंड सेंटा क्लॉज रैली का ये अर्थ नहीं होता है दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूंगा, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कि हर दिन मतलब 7 के 7 दिन बाजार में तेजी रहेगी, नहीं। सेंटा क्लॉज रैली का अर्थ ये होता है कि अगर आप ये दिसंबर के 5 दिन से लेके जैन के पहले दिन, इन 7 दिन का अगर आप लोग ओवरऑल एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखोगे तो वो हरे निशान में रहेगा, उसको बोलते हैं सेंटा क्लॉज रैली। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक दिन आप लोगों को सिर्फ हरे चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे, नहीं। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि 2 से 3 हरे चार्ट पैटर्न्स, देन 2 लाल चार्ट पैटर्न, देन वापस हरे चार्ट पैटर्न, राइट। एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखने की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये भी कुछ जो गलत आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर चल रहे थे उसको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड जाते जाते थोड़ा सा एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब भी मार्केट क्लोज हो जाता है कभी कभी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। एनीवेज, तो नो डाउट इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि बाजार जो 18,000 का लेवल रहेगा, 18,000 एंड 18,100, सो यस, वहां पे भी अभी हम लोग को अच्छे खासे सपोर्ट, मतलब बोलते हैं ना फिलहाल तो अभी बिल्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 18,000 लेवल वापस हम लोग को अच्छी तरीके से अभी मतलब सेकंड डे यहाँ पे हो चुका है, उसको और भी मजबूत यहाँ पे किया जा रहा है। एंड रेसिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा हाईली कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, कोई भी एक प्रॉपर लेवल हम लोगों को वैसे देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर पुराना ही रेसिस्टेंस अगर पकड़ कर चलना है तो अभी जो जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं 18,200, मतलब उसको तोड़ने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वही फिलहाल का लेवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये लेवल चेंज होते रहते हैं, आपको पता है मार्केट है, बहुत अच्छी खबर आ जाएंगी तो इजिली ये लेवल फटाफट फटाफट चेंज भी हो जाएंगे, बुरी खबर तो आपको पता ही है निचले लेवल भी फटाफट चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। बट ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट में पिछले हम लोग को 2 दिन में देखने को मिला। अभी ग्लोबल मार्केट वापस स्टार्ट यहाँ पे होने जा रहे हैं, तो इसी के चलते आप लोगों ने थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए, ये भी पॉइंट मैं आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जो मेन खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा बाकी सेंटा क्लॉज रैली बाकी की चीजें वो सारी चीजें ठीक है, बट आज के दिन ये चाइना से जो एडिशनल हम लोग को पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली मार्केट के हिसाब से, उसके चलते हम लोग को मेटल सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली, एंड ओवरऑल बाजार का भी मूड थोड़ा बहुत हम लोग को एग्रीगेट बेसिस के ऊपर सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम लोग यही प्रे करेंगे कि बाजार में अननेसेसरी कोई पैनिक नहीं आना चाहिए, विदेश के बाजार हमें सपोर्ट ना करे तो भी चल जाएगा, हमारा मार्केट वैसे ही पहले से स्ट्रांग है, बट कोई नेगेटिविटी ना डाल दे, बस यही प्रे हम लोग को करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते।